एही वीडियो रे तुमको स्वागत। पूर्व वीडियो रे आमे साधारण चतुर्भुजर क्षेत्रफल निर्णय करिबा सिखिले। आज एही वीडियो रे आमे एक रम्बसर क्षेत्रफल निर्णय करि सिखिबा। कमलेश रम्बस रूपी काच तयारी हेउथिबा एक कारखाना रे काम करन्ति। से काचर पछपटकु गोलापी रंगरे रंगाइबाकु चाहन्ति। जदि काचर कर्णगुडिकर दैर्घ्य D1 ओ D2 हुए तेबे तुमे कण कमलेशको कहिपारिबो कि जे काचर केते भागरे तांकु रंग करिबाकु हेबो। कमलेश शीर्षबिन्दु A कु C एवं B कु D सह जोडि छेदबिन्दुकु ओ नाम देले, जेउथिरु कर्ण AC एवं BD मिलिला। तेबे कौन तुमे रम्बसर कर्णगुडिकर विशेषता विषयरे जानिछ? बिल्कुल ठीक। कर्ण AC ओ BD परस्परकु लम्ब भावे समद्विखण्ड करे। आस एहाकु एहिपरि भावे लेखिबा। AC BD उपरे लम्ब भावे अछि तथा AO एवं CO एवं BO एवं DO समान भावरे अछि। प्रश्नरे एहा दत्त अछि जे AC ओ BD रो दैर्घ्य यथाक्रमे D1 ओ D2 अटे। एही परिस्थिति रे कमलेश काचर सेतिकि भागकु ही रंग करिवे जेतिकि काचर क्षेत्रफल अटे, किन्तु कमलेशकु रम्बसर क्षेत्रफल निर्णय करिवार सूत्र जणा नाही। आमे जानिछे जे रम्बस ABCD चारोटी सर्वसम त्रिभुज AOB COB AOD एवं COD रो संयोगरे तयार होइछि। तेणु रम्बस ABCD रो क्षेत्रफल त्रिभुज AOB COB COD एवं AOD रो क्षेत्रफल रो समष्टि सह समान। जेहेतु एही चारोटी त्रिभुज सर्वसम अटे, अतएव त्रिभुज AOB COB COD ओ AOD रो क्षेत्रफल समान हेबो। रम्बस ABCD रो क्षेत्रफल 4 एवं त्रिभुज AOB रो क्षेत्रफल रो गुणनफल सह समान अटे। त्रिभुजर क्षेत्रफलर सूत्र हेउची 1/2 गुणन भूमि गुणन उच्चता। आस एबे त्रिभुज AOB रो क्षेत्रफल निर्णय करिबा। त्रिभुज AOB पाई भूमि AO एवं उच्चता BO अटे, अतएव AOB रो क्षेत्रफल 1/2 गुणन AO रो दैर्घ्य गुणन BO रो दैर्घ्य अटे। एबे प्रश्न हेउची जे AO ओ BO रो दैर्घ्य कु D1 ओ D2 रूपे किपरि लेखिबा? आमे जानिछे जे AO ओ CO समान दैर्घ्यर अटे एवं AO युक्त CO कर्ण AC अर्थात D1 अटे, अतएव AO रो दैर्घ्य D1/2 हेब। एहिपरि भावे BO रो दैर्घ्य BD रो दैर्घ्यर अधा अर्थात D2/2 हेब। AO एवं BO रो मूल्यकु त्रिभुज AOB रो क्षेत्रफल सूत्ररे रखिबा द्वारा त्रिभुज AOB रो क्षेत्रफल D1 गुणन D2/8 मिलिबो। ताहेले एबे तुमे कोण रम्बस ABCD रो क्षेत्रफल निर्णय करि पारिबो? जेपरि कि आमे पढि सारि जे ABCD रो क्षेत्रफल त्रिभुज AOB रो क्षेत्रफल रो 4 गुण अटे। त्रिभुज AOB रो क्षेत्रफल कु व्यवहार करिबा फलरे, अतएव रम्बसर क्षेत्रफल ताहार कर्णद्वयर
ଗୁଣନ ଫଳର ଅଧା ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ଲେଶ ସେତିକି ଭାବରେ ରଙ୍ଗ କରିବେ ଯାହା କାଚର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଟେ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା।